आगरा में पुलिस कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के लिए आगरा जा रही प्रियंका गांधी को लखनऊ पुलिस ने आगरा एक्सप्रेसवे पर रोका। इस दौरान प्रियंका गांधी की पुलिस अधिकारियों के साथ कहासुनी भी हुई। प्रियंका गांधी को रोके जाने से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। हंगामे के बाद प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस लाइन में कांग्रेसियों के हंगामे के बाद शासन ने प्रियंका गांधी को आगरा जाने की अनुमति दे दी है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तानाशाही कर रही है। यूपी की पुलिस यह चाहती है कि मैं गेस्ट हाउस में ही बैठी रहूं, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। योगी सरकार तानाशाही कर रही है, इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें देगी। थोड़ा सा दूर अभी अनुमति नहीं है, जो व्हाट्सएप पे आया मेरे पास जो ऑर्डर है वहाँ पे इश्यूज फोन पर, मतलब ये तो हद हो गई है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। नहीं मैं लखनऊ के गेस्ट हाउस में रहूँ आप लोगों को कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये चूँकि आगरा का अनुमति नहीं है, मैं इसलिए क्या कहते हैं आगरा के लिए अलाउड बताइए, वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र लिखा है अभी एक मिनट थोड़ा देखें। यदि हम आगरा का पत्र आप बताएं क्या करें, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी आगरा में लागू है, आगरा में भी लागू है, यहाँ भी लागू है। से दुर्गा पूजा के पहले से करीब 12 का जुलूस था, मैम 12 से जुलूस भी आऊँगा जी, चल सकते हैं कहीं अध्यक्ष जी देखिए बहुत नहीं है, जो जो सर के थोड़ा सा हम आपको सर विधिक चीज बताएंगे, मैम हम तो आपको विधिक चीज बताएंगे मैम। भैया